फेसबुक, ट्विटर और गूगल समेत तमाम सोशल मीडिया इंडस्ट्री की नुमाइंदा तंजीम एशिया इंटरनेट कोएलिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम एक खत में नए सोशल मीडिया कवानीन पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि इन कवायद की रोशनी में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए मुश्किल होगा कि वो अपनी खिदमात पाकिस्तानी सार्फीन और कारोबार को मुहैया कर सकें। AIC की वेबसाइट पर मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम खत में तंजीम के मैनेजिंग डायरेक्टर जेफ पेन ने लिखा है कि दुनिया के किसी और मुल्क ने इस तरह के वसीउल बुनियाद कवायद नहीं बनाए, इसलिए खदशा है कि इनसे पाकिस्तान दुनिया भर में तनहा ना हो जाए और पाकिस्तानी सार्फीन और कारोबार ख्वामखा इंटरनेट की मईशत के फवायद से महरूम ना रह जाए। खत में लिखा गया है कि जिस तरह के कवायद बनाए गए हैं इससे AIC की मेंबर कंपनियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी खिदमात पाकिस्तानी सार्फीन या कारोबारी इदारों को फराहम कर सके। AIC का कहना है कि इन कवायद को बनाते वक्त हुकूमत से बाहर किसी किस्म की मशावरत नहीं की गई। जिस तरीके से ये कवायद बनाए गए हैं इससे बैनुल अक़वामी कंपनियाँ इस अमर पर मजबूर हो गई हैं कि वो पाकिस्तान की रेगुलेटरी माहौल और इस माहौल में काम करने के बारे में दोबारा सोचें। खत में कहा गया है कि चूंकि ये कवायद सोशल मीडिया कंपनियों से मुतालबा करते हैं कि वो सार्फीन के प्राइवेसी और इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से मुरवजा इंसानी हकूक की रवायात से रुगरदानी करें, इसलिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत मुनासिब मशावरत का आगाज़ करें ताकि वसीउल बुनियाद शिरकत से नए कवायद बनाए जा सके। AIC के मुताबिक उसे एहसास है कि दुनिया भर में हुकूमतें गैर कानूनी और मसाइल पर मबनी ऑनलाइन मवाद पर काबू पाने के हवाले से हिकमत अमली बना रही है, ताहम इस सिलसिले में ज़्यादातर मुकामात पर तवील और सबूतों पर मबनी तहकीक और मशावरत के साथ किसी हल की तरफ जाया जा रहा है, ना कि बयक जंबश कलम यक तरफा कवायद का रास्ता अपनाया जाए। बताने की मिसाल देते हुए AIC के खत में कहा गया है कि वहाँ ऑनलाइन नुकसान का वाइट पेपर साल पहले जारी हुआ, फिर हुकूमत ने 12 फरवरी को अपना जवाब जारी किया जिसमें काफ़ी वजाहत के साथ हुकूमत ने इदा किया कि वह इंसानी हकूक ख़ास तौर पर इजहार राय का एहतराम करती है और शफाफियत और कारोबार यकीनी बनाने के अज़म को दोहराया। खत में कहा गया है कि नए कवायद पाकिस्तान के अपने कवानीन फीका और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट के भी खिलाफ वर्जी है क्योंकि इन कवायद में इस तरह के इख्तियारात नहीं दिए गए बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को तहफ्फुज़ दिया गया है।